एवरीवन, आप लोगों ने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस शुरू किया हुआ था। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग और उसके फीचर्स ऑलरेडी कर लिए थे। आज का आपका टॉपिक है मॉडल्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, या फिर मैं बात करूँ कंसेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, या आप उसको बोल सकते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स, स्कोप, फैक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इसके अंदर आप ये 6 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं: ईगो स्टेट्स, ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से होते हैं, लाइफ पोजीशंस कैसी होती हैं, स्ट्रॉक्स क्या है हमारी लाइफ में, गेम्स और स्क्रिप्ट एनालिसिस। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट को, दैट इज ईगो स्टेट। अब जब हम ईगो स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। वैसे तो हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि हमें जैसा रिस्पॉन्स चाहिए था वैसे नहीं मिलता, तो हम बोलते हैं इस बंदे के अंदर ना बहुत ईगो है। लेकिन ये वो ईगो स्टेट नहीं है, किसी नेगेटिव सेंस में नहीं बोलेंगे इसको, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट आते हैं। जब भी कोई इंडिविजुअल बिहेव करता है डिफरेंट मैनर में अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, तो उसकी ईगो स्टेट काम करती है उस टाइम पे। इसका मतलब जो भी आज तक आप लोगों के साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको आप अपने माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते जाते हो। वो जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो आपकी क्या है, ईगो स्टेट। ये तीन होती है, पहली होती है पेरेंट ईगो, फिर होती है आपकी एडल्ट ईगो, देन इज योर चाइल्ड ईगो। जब भी एक पर्सन इंटरैक्ट करता है किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो इनमें से कोई भी एक स्टेट जो होती है वो डोमिनेंट होती है या पावरफुल होती है। इसका मतलब आप जिस भी स्टेट में हैं, दूसरी स्टेट वाली जो भी सिचुएशन होगी वो, मतलब आप इफ यू आर इन सच सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में आप, तीन ईगो में से कोई एक ईगो है जो इस टाइम पे आपकी डोमिनेंट होगी और आप उसी के मुताबिक रिएक्ट करोगे या उसी के मुताबिक स्टिमुलस को पास करोगे। मैंने आप लोगों को शायद एक चीज बताई थी, एक होता है जो रिस्पांस, जो स्टिमुलस देते हैं, एक होता है जो रिस्पांस देता है, रिस्पॉन्ड बैक करता है। तो जो स्टिमुलस दे रहा है वो कौन है, इनिशिएटर, मतलब जिसने आपकी कम्युनिकेशन को शुरू किया है, और बी कौन है, रिस्पॉन्डेंट, जो रिस्पॉन्स कर रहा है। इसी को हम इंटरपर्सनल रिलेशन बोल रहे थे, इसी को हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बोल रहे थे। तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो पेरेंट ईगो होती है वो, अगर वो डोमिनेंट है तो उसके बिहेवियर में उसकी क्वालिटीज डिस्प्ले हो जाएंगी। अब आप पूछोगे कि मैम पेरेंट ईगो स्टेट होती क्या है, उनको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब ये है कि जिस भी ईगो स्टेट में एक पर्सन एट प्रेजेंट है उसी के मुताबिक वो स्टिमुलस पास करेगा, उसी के मुताबिक वो रिस्पॉन्ड बैक करेगा। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। ईगो स्टेट तभी एंड होती है जब अनसर्टेनिटी ऑफ बिहेवियर ट्रांजैक्शन आता है। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी ऑपोजिशन या कन्फ्लिक्ट को ईजिली अवॉइड किया जा सकता है। इसका मतलब अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ एज ए मैनेजर, अगर मुझे पता है कि सामने वाला बंदा किस ईगो स्टेट में है तो मैं उसके मुताबिक उसकी रिएक्शन एक्सपेक्ट करूंगी। जो रिएक्शन मैंने एक्सपेक्ट की थी अगर वही आई है तो कहीं ना कहीं हम पहले ही जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसको ओवरकम कर लेते हैं। अब इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं ईगो स्टेट के, सबसे पहली बात ये हर पर्सन के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मेरे अंदर तो ईगो नहीं है। कोई एक तरह की ईगो तो होगी, तीन में से जो कोई एक ईगो सबके अंदर डोमिनेंट होती है। तीनों ईगोज सबके अंदर है, कोई एक सिचुएशन पे एक ईगो डोमिनेंट होती है। व्हेन यू आर डीलिंग विद योर पेरेंट्स तो हो सकता है आपकी चाइल्ड ईगो काम कर रही हो, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे तो आप एडल्ट ईगो में काम करते हैं, जब कोई छोटा आपके सामने आ जाता है तो आपकी पेरेंट ईगो डोमिनेंट हो जाती है, आप उसको राय देने लग जाते हैं, आप उसको सजेशंस देने लग जाते हैं। तो बेसिकली ईगो स्टेट जो है वो हर बंदे के अंदर होती है, ये इन्फ्लुएंस करती है एक ह्यूमन के बिहेवियर को। जो ईगो स्टेट डोमिनेंट होगी वही आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालेगी। जो भी आपके माइंड में रिकॉर्डिंग हुई है पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर, वो सारी आपकी ईगो स्टेट है। ईगो स्टेट जो है आपकी वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड देन इज चाइल्ड ईगो स्टेट। ईगो स्टेट जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व की जा सकती है और स्टडिंग द इंडिविजुअल्स फेस। आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आप सामने वाले बंदे के रिस्पॉन्स को, उसके बिहेवियर को पहले ही जज कर सको और कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सको। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन सी ज़्यादा पावरफुल या कौन सी इस टाइम पर ज़्यादा डोमिनेंट उसकी ईगो स्टेट है उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसके मुताबिक ही वो रिएक्ट करेगा। अब देखो ईगो स्टेट मैंने आपको बोला था कि हमेशा वो नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। पॉजिटिव ईगो स्टेट सेटिस्फैक्शन देती है आपको, और जो आपकी नेगेटिव ईगो स्टेट है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन लेके आती है।
ईगो स्टेट जो होती है वो पास्ट का एक रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब जैसा भी हम रिएक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में कुछ ना कुछ उसके साथ लिंक रहता है, तभी हम उस ईगो स्टेट को डोमिनेंट होने देते हैं, पावरफुल होने देते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास ईगो स्टेट के बारे में आई है वो एंटिसिपेटिंग द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, उसी के मुताबिक वो बिहेव करेगा। ईगो स्टेट जो है वो हर बंदे के अंदर डिफरेंट रेशो में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब होती सबके अंदर है, किस रेशो में है दैट डिपेंड्स। अब कौन कौन सी ईगो स्टेट है, ये तीन ईगो स्टेट है, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है पेरेंट ईगो स्टेट की। पेरेंट ईगो स्टेट क्या है? पेरेंट ईगो स्टेट होती है ये बच्चा अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके सीखता है। जो भी वो स्पेशल ट्रेट अपने पेरेंट्स के बिहेवियर के अपने दिमाग में स्टोर करके रखता है वो उसकी पेरेंट ईगो को क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये कौन सा पार्ट होता है? टॉट पार्ट, जहाँ पढ़ाया जाता है। ये पर्सनालिटी जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव कैसे? अगर आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, किसी को लेकर कंट्रोल कर रहे हैं, उसको रूल कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव आएंगे, क्रिटिसिज्म आपका नेगेटिव है, ये सब आपके पॉजिटिव हैं। आप प्रोटेक्टिव हो, किसी को लेकर कंट्रोल कर रहे हो, उनको रूल कर रहे हो, उनको प्यार कर रहे हो, ये सब आपके पॉजिटिव हैं। किसी को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो बड़ों की तरह, जैसे आपका छोटा ब्रदर है, छोटी बहन है, आप उसको बोल देते हो कि नहीं तो ठीक नहीं कर रही है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? ताकि वो और बेटर करे। कहीं ना कहीं आपकी पेरेंट ईगो स्टेट काम कर रही है। ये जैसे ही आप पैदा होते हैं 5 साल तक आपका ये जो प्रोसेस होता है पेरेंट ईगो स्टेट का वो एक्वायर होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं आप उसको लेना, अपने जहन में उतारना शुरू कर देते हो। तो इस बिहेवियर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट, वो अपनी पेरेंट ईगो स्टेट को डेवलप करता है। दूसरा पार्ट आता है आपका एडल्ट ईगो स्टेट। अगर मैं बात करूँ इन तीनों ईगो स्टेट्स में, सबसे बेटर आपकी एडल्ट ईगो स्टेट होती है, क्योंकि एक थॉट पार्ट है। यहाँ पे बहुत ही वाइज डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ जो भी बंदा इस सिचुएशन में होता है उसके पास कैपेसिटी है, सोच सकता है, वो सोचने की, समझने की, रिएक्ट करने की सारी उसके पास कहीं ना कहीं सोचने की क्षमताएं हैं। तो ये फेस कर रहा है चैलेंज। ये बेसिकली 10 मंथ्स ऑफ कब इमर्ज हो जाती है? जैसे ही बच्चा 10 मंथ्स का होता है वो सही गलत में पहचान करना शुरू कर देता है। लुकिंग कैसे गोइंग अराउंड हिम कैन कलेक्ट देम कैन एनालाइज देम। इस टाइम पे जो बच्चा है वो क्या क्या उसके अराउंड हो रहा है वो उस चीज़ को समझ जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, उसको एनालाइज करता है अच्छे से, और फिर क्या अपने दिमाग में उसको डाल देता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शुरू हो जाती हैं? मेकिंग यूज ऑफ, किस किस चीज़ का यूज़ कर रहा है वो अपनी नॉलेज का, रीजंस का, एनालिसिस का, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? थॉट पार्ट। लास्ट है आपकी चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट में क्या है? चीफ ट्रेट जो होता है चाइल्ड ईगो स्टेट का, उसमें वो गाइडेड और डायरेक्टेड होना चाहता है। जैसे छोटा बच्चा बिल्कुल हेल्पलेस होता है, उसे नहीं पता हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो छुपा छुपा सा, घबराया घबराया सा, डरा डरा सा रहता है। तो जैसे आप उसको गाइड करोगे वो वैसे ही डायरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो जो आप बोलोगे वो वैसे ही करेगा। इस ट्रेट के अंदर हैप्पीनेस, क्राई, अलाउड, एंगर, इल विल, ऑपोजिशन, अनॉयंस, डेस्परेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। और इसको क्या बोलते हैं? फेल्ट पार्ट। जो एक बंदा सह रहा हो या जो एक बंदा फील करता हो, ये बेसिकली कौन सी सिचुएशन हो जाती है? यस मैन सिचुएशन हो जाती है। जैसा आप बोलोगे वैसा ही सिचुएशन ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये चाइल्ड ईगो स्टेट में है। इस टाइम पे उसको सही गलत नहीं पता, एनालिटिकल पार्ट उसका भी शुरू नहीं हुआ जैसे एडल्ट ईगो में होता है, और अभी उसने अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके नहीं शुरू किया। ये सिर्फ 10 मंथ्स की एज में आप शुरू कर देते हो ये वाला पार्ट, सॉरी 10 मंथ की एज में आप एडल्ट ईगो स्टेट को शुरू कर रहे थे। चाइल्ड ईगो स्टेट आपकी बचपन से, जब आप पैदा हुए तभी से आपके अंदर है वो। जैसे हम पेरेंट ईगो स्टेट के बारे में बात करते हैं 5 साल तक वो डेवलप हो जाती है, पैदा होते ही आपके अंदर आ जाती है, ऐसे ही चाइल्ड ईगो जो है आपके पैदा होते ही आपके साथ ही होती है। इसके बाद आता है ट्रांजैक्शन। वैसे लंबी होगी है वीडियो, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि हम लोग उस चीज़ को समझ सकें। ट्रांजैक्शंस मैंने अभी बताया था, दो होते हैं, एक स्टिमुलस होता है और दूसरा रिस्पॉन्स होता है। जैसे ए और बी दो बंदे थे, ए कौन है? इनिशिएटर, जो इनिशिएट ले रहा है, वो स्टिमुलस पास कर रहा है बी को। बी कौन है? रिस्पॉन्डेंट, वो रिस्पॉन्स बैक करेगा। तो ये होता है ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन स्टिमुलस है, दिस इज ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स, या फिर ट्रांजेक्शन रिवर्ट, जो भी आप बोलना चाहें आप इसको बोल सकते हैं। स्टिमुलस जो होता है वो डिपेंड करता है सामने वाले बंदे के रिस्पॉन्स पे,
वो ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, इसमें बेसिकली क्या आपको समझ आने लग जाता है, आप ये समझने लग जाते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। इन ट्रांजैक्शन की हेल्प से आपको ये पता लगता है किस ईगो स्टेट में वो है और वो किस तरह के प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से होके गुजरा है, और वो जो भी बिहेवियर कर रहा है वो क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहा है। इसमें क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं, किस ईगो स्टेट में वो है सबसे पहली बार जब भी वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की सिचुएशन है, और वो कैसे रिएक्ट करेगा और क्यों ऐसे रिएक्ट करेगा, ये सब आपको ट्रांजेक्शन्स के थ्रू पता लगता है। तीनों ईगो स्टेट में से कोई एक हमेशा इंडिविजुअल के अंदर अवेलेबल होती है। जनरली जो अगर बात करूँ मैं पर्टिकुलर ईगो स्टेट के बारे में, तो ज़्यादा पावरफुल होती है वो बाकी दो स्टेट से। मैंने अभी आपको बताया था एडल्ट ईगो स्टेट ज़्यादा अच्छी है, क्यों? क्योंकि ये एक बेटर पार्ट होता है, यहाँ पे थॉट पार्ट शुरू हो जाता है बच्चे का या बड़ों का या जो भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक ईगो स्टेट में वो बंदा है। तो एक इंडिविजुअल जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता है अगर वो पेरेंट ईगो स्टेट में होता है, अगर वो चाइल्ड ईगो स्टेट में है तो वो बिल्कुल बच्चों वाली बातें करेगा। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल एडल्ट ईगो स्टेट में है तो वो नॉलेजफुल बातें करेगा और क्या करेगा, बैलेंस्ड वे निकालेगा आपके एडल्ट ईगो स्टेट के अंदर, तो ये आपका बेटर बिहेवियर डिस्प्ले करता है। अब आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में क्या करवाना है, इसके टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, क्रॉस कैसे हैं, अल्टेरियर ट्रांजेक्शन्स कैसे हैं। अभी मैं चाह रही थी आपके कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट कर दूं, पर वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करती हूं। आप अपने घर रहें, सेफ रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, सबसे प्यार से रहें और पढ़ते रहें, बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ते रहें। आप लोगों के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होने के चांसेस ज़्यादा नहीं हैं, हो सकता है मैक्स टू मैक्स आपको 15 डेज या 1 मंथ मिले, तो अपनी तैयारी को पूरा रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको, कहाँ से शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स से।